What's up guys, welcome back to Indresh Video. आज हम देखने वाले हैं थगेश चैनल पे जो YouTube रिवाइंड वीडियो आई है जिसका टाइटल है अदनान 07 अंजलि अरोरा YouTube इंडिया रिवाइंड 2022. तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब. और आपका सबसे पसंदीदा पल इस 2022 का क्या रहा है कमेंट करके बता देना. बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब. 1 2 3 लेट्स गो. ओहो क्या कर रहे हैं भाई थगेश वाला, एके थगेश. YouTube इंडिया रिवाइंड 2022. पिछले 2 साल से हम रिवाइंड वीडियो बना रहे हैं चैनल पे, जो काम YouTube ने करना बंद कर दिया हूं. मैं आज भी कर रहा हूं. नहीं नहीं, मैं ट्रेंडिंग पेज पे ऑनेस्ट रहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ YouTube रिवाइंड की. It's rewind time. YouTube रिवाइंड मतलब इस साल क्या क्या हुआ है YouTube पे. पहले तो YouTube पे इंडिया इंग्लैंड का बवाल. इस साल हम इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार गए, बट 2023 में वो इंडिया से वर्ल्ड कप नहीं ले पाएंगे. पता है मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ने इंडिया से ना हर कीमती चीज सिर्फ चुराई है, कमाई नहीं. और इंडिया में अब की बार इसका का बिग बॉस ऐसा चल रहा है ना कि बिग बॉस का नाम बदल के ना एमसी स्टैन व्लॉग्स रख देना चाहिए. गलत सही कहा है. बिग बॉस एक है शेमड़ी. माँ हूँ मैं तेरी, माँ हूँ मैं, आंटी है तू. 2022 एक ऐसा साल जहाँ पर लोग फाइनली कोविड से लड़के उसको ओवरकम करके अपने दम पे चलना सीखे, एक्सेप्ट नेहा कक्कर, क्योंकि वो अभी भी रीमेक्स पे चल रही है. ऋषभ पंत के लिए बहुत टफ साल था 2022. मतलब मुश्किल तो होता है यार अकेले इंसान के लिए दो दो करियर चलाना. उर्वशी का भी यही तो चला रहे. लोग जब मुझे पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है 2022 के बाद यूट्यूबर्स किस दिशा में जा रहे हैं, लो एफर्ट कंटेंट की दिशा में. पहले हमारे थारा भाई जोगिंदर, 2022 में थारा भाई जोगिंदर का बोलबाला था. इस साल सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर थारा भाई जोगिंदर को इतना मिल्क किया. ये वीडियो देखी हुई है मैंने, रियल वाली. जो जोगिंदर फिर भी इंडिया में दूध का भाव 5-6 रुपए लीटर बढ़ गया. जानवरों के सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए भाई, बढ़ाना पड़ा भाव. क्या करे, सिर्फ क्वांटिटी की वैल्यू होती तो दीपक कलाल भी सुपरस्टार होता. वंडर, भूचाल, भूकंप, तबाही, सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर लाने के बाद थारा भाई जोगिंदर फाइनली अभी ब्लॉगिंग कर रहा है. और आज का आप लोग मौसम देखोगे, मौसम देखो भाई क्या मौसम है. मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है. यहाँ पर आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं क्या, ये मुफ्त का ज्ञान है? Yes, क्योंकि जोगिंदर को तूफान से पहले शांति नहीं, तूफान के बाद शांति चाहिए. बट ऑनेस्टली ब्लॉगिंग से अच्छा तरीका क्या हो सकता है लोगों से माफी मांगने का. तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन काम तो चलता रहना चाहिए. और क्या, और इस साल विराट कोहली फाइनली बैक इन फॉर्म आ गए हैं. कुछ लोग इसका रीजन बता रहे हैं आईपीएल की कैप्टनसी और इंडिया की कैप्टनसी छोड़ने से भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है. देखो मैं इस बात में बिल्कुल नहीं मानता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इंसान की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता तो कोहली भाई कभी शादी नहीं करते. बाकी शादी से याद आया था, आई एम श्योर कि विराट विल बी अ ग्रेट फादर, क्योंकि इस बंदे ने 10 साल अपनी आईपीएल टीम को पाल पोस के बड़ा जो किया है. लोग बोलते हैं कि विराट कोहली बहुत डाइट कॉन्शियस है, वो बहुत सोच समझ के खाता है. मैं इस बात से नहीं मानता, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसने हर 3 नंबर पे बैटिंग करने वाले का करियर जो खाया है. वेल डन. और क्या इस साल अदनान 07 का लफड़ा हुआ इस साल हमारे साथ. ये सबसे बड़ी हाईलाइट ये साल की ये थी कि अदनान भाई ने मेरे को 2:30 बजे कॉल किया, फिर 12 बज गए उसके. देख रहा हूँ कि अगला नंबर किसका है. सुना है तुझे खच्चर की तलाश है. उसके बाद भाई ने एक रोस्ट वीडियो बनाया, उसने मेरे को रोस्ट करने की बहुत कोशिश की. लेकिन बैल गाड़ी चलाने वाला एरोप्लेन अचानक कैसे चलाएगा, कोई नहीं, फुल मार्क्स फॉर अटेम्प्ट. जो मेरे को बोले थगेश भाई अदनान भाई को रिप्लाई क्यों नहीं किया. क्या करूं, मैंने सोचा वो वीडियो के 1 मिलियन व्यूज जाएंगे तो रिप्लाई करूंगा, जो कि आज तक नहीं हुए. मैं कब हो गया ये, आई नो ये वीडियो के बाद जाके हो जाएंगे, लेकिन अभी काउंट नहीं होता है. बट एक साल में रिजोल्यूशन पूरा हो गया. मैं हमेशा सोचता था काश कोई ऐसा होता जो मेरे बारे में सोचे, छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़े, जो रातों को मेरे बारे में सोचे, लेट नाइट कॉल्स करे. मेरे को नहीं मालूम था वो अदनान होगा. ये पता था कंटेंट कैसा भी हो व्यूज तो आने. न जाने मेरे दिल को क्या. धोनी और रोनाल्डो के बाद पहली बार मैं नाम के आगे 07 देख के डिसअपॉइंट होता हूँ. यार तेरा चैनल खोलता हूँ कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तेरा चैनल है या मेरा चैनल है, क्योंकि दोनों के चैनल के थंबनेल पे फोटो तो मेरी होती है. ट्रू भाई, लेकिन मेरा चैनल हो या तेरा, दोनों जगह गाली भी तू ही खाता है. इतनी बेइज्जती के बाद भी कुछ लोग सच में अदनान को सपोर्ट करते हैं. आई थिंक अदनान को फॉलो करना एक सैटेनिक कल्ट फॉलो करते हैं ना, उसके जैसा है. दोनों के लिए आपको अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता. अदनान और हम दोनों ही अवार्ड शोज में जाते रहते हैं, बट डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू लेने जाता है और मैं अवार्ड. बट एक बात प्रूव हो गई ये साल की, बाकी क्रिएटर से मैं कितना अलग हूँ. बाकी लोग व्यूज के लिए एड्स लगाते हैं और मैं अदनान की, मैं अदनान भाई का
हाथ भी गया है अभी, बोलता हूँ मैं हमेशा बड़े बड़े मैटर हाथ में मत लो, बट मे ही गेट वेल सून। ओके और क्या, रिसेंटली मालूम पड़ा कि ये पाकिस्तानी लड़की अपना ड्रेस बेच रही है। मैंने बोला हाँ देखा, 3 लाख का टैलेंट नहीं बिकता, वो ड्रेस ही बेचेगा। और वहाँ से भी चैन नहीं है, देख रहे हैं घुसने की कोशिश की, इंडियन सोल्जर्स ने उनको बाहर फेंक दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई ये इंडिया है, विराट कोहली का ड्रेसिंग रूम नहीं जो कोई भी घुस जाए। क्या बात है जी, कहाँ की बात, कहाँ क्रिकेट की बात चली रही है तो पता चला इस साल ना 360 डिग्री क्या होता है ये जानने के लिए ना टीचर्स सर्कल नहीं सूर्य का एग्जांपल दे रहे हैं। भाई सच में और क्या कच्चा बादाम। इस साल एक अंकल की मूंगफली बेचने की कलाकारी ने पूरे सोशल मीडिया को ठुमका प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। करियर बना दिया, इतनी बार बजा, इतनी बार बजा कि ऑडियंस पक गई, लेकिन बादाम नहीं पके। उसका नहीं बना था कि उस अंकल का, वो वापस उसी गली में रिलेवेंट हो गई, लॉकअप शो में गई और एक दो गाने भी किए और फिर वापस इररिलेवेंट हो गई। बेसिकली अंजलि अरोरा अपना सोशल मीडिया रिवाइंड करेगी ना तो उसको सोशल मीडिया रिवाइंड नहीं बायोपिक बोलनी पड़ेगी। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी, एक दोस्त था जो पागल था। बट मानना पड़ेगा वो 15 सेकंड की वीडियो ने बच्चों को बहुत इन्फ्लुएंस किया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने। 2019 के बाद जब साइंटिस्ट बोल रहे थे कि ये तो कुछ नहीं है, फ्यूचर में कोविड के और खतरनाक वायरल जाएंगे, मुझे नहीं पता था वो कच्चा बादाम की बात कर रहे। बट अंजलि अरोरा और भुवन जी जो खुद कच्चा बादाम बेच रहे थे उनमें एक सिमिलैरिटी है, दोनों ही कच्चा बादाम के बाद फेमस हुए। बट एक डिफरेंस भी है, भुवन भाई के पास टैलेंट है, अपने साथ मत जोड़िए हमको। बट कोई ज्यादा फर्क नहीं, हर साल ऐसे कोई कच्चा बादाम या बचपन का प्यार जैसे सॉन्ग्स वायरल हो जाते हैं रील्स पे। बट फर्क इतना है कि यूट्यूबर्स उसको ऐसे जोक लेते हैं और रीलर्स ऐसे स्कोप मिल गया। इस साल इंडिया में शार्क टैंक भी आया, उसका पता है टैगलाइन क्या था? अब इंडिया बोलेगा बिजनेस की भाषा। देखो बिजनेस का तो पता नहीं, सब अश्नीर की भाषा जरूर बोल रहे हैं, ये सब दोगलापन। और क्या शार्क टैंक में नमिता भी थी? नमिता ने शार्क टैंक में आई एम नमिता से ज्यादा आई एम आउट बोला है, आई एम आउट। बट अमन गुप्ता, आई थिंक अमन गुप्ता ना चाइना के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, बिकॉज चाइना भी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स देख के यही बोलता है हम भी बना लेंगे। अब शार्क टैंक की बात हो रही है तो तुम मुझसे भी बेली बटन शेपर के बारे में एक जोक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इंडिया में फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम द बेली बटन शेपर, नाभी शेपर। बट यार वो बंदा पहले खुद का बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है, अब उस पर जोक लिखने में मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। पहले एक तो छुट्टी पे हूँ और क्या फीफा वर्ल्ड कप, आय हाय हाय यार। जब हमने बोला था कि हम क्रिकेट और फुटबॉल को सेम लेवल पे देखना चाहते हैं तो हमारा ये मतलब नहीं था कि भाई तुम क्रिकेट भी खराब खेलना शुरू कर दो। क्या कर रही है टीम इंडिया, बांग्लादेश से हार रहे हो। बट इंग्लैंड टीम के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, इंग्लैंड फुटबॉल टीम एक्चुअली 1966 के बाद वो कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीते, जो कि प्रूव करता है ओनली वे दे कैन हैव समथिंग प्रेशियस इज बाय स्टीलिंग इट। बाकी बात करते हैं बॉलीवुड की, इस साल बॉलीवुड और बिटकॉइन की जर्नी काफी सेम रही, दोनों से ही लोगों का भरोसा उड़ गया और दोनों ने ही इन्वेस्टर्स के पैसे डुबाए। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख का घाटा कैसे हो गया। इस साल बॉलीवुड बॉयकॉट के ट्रेंड्स चले ना, उतने तो बॉलीवुड में मूवीज भी नहीं बनी। आप किस लिए देखने आए? रमेश शास्त्र वही देखने आए, रमेश शास्त्र देखने। इंडिया में अभी हजारों मजबूत कंधे हैं जो बॉलीवुड को संभाल सकते हैं, लेकिन भाई अगर अच्छी मूवीज नहीं बनी ना तो हजारों कंधे नहीं 4 कंधे लगेंगे बस। एंड इस एटमॉस्फेयर की वजह से लोगों ने ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए एक अलग ही इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। पता है कौन सा? रणबीर आलिया की शादी। फनी, पूरे दुनिया के लिए पेंडेमिक खत्म हो गया, सिर्फ बॉलीवुड के लिए रह गया। पहले लोग ट्विटर पे केआरके का क्रिंज देखने आते थे, अब बॉयकॉट का बिंज देखने आते। किसी ने कभी सोचा था कि एक मूवी को हिट या फ्लॉप करने में डायरेक्टर का नहीं ट्विटर का हाथ भी हो सकता है। और क्या आदि पुरुष के टीजर से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो उसमें एनिमेशन दिखाया उससे बेटर एनिमेशन तो पुराने जमाने के आदि मानव लोग पेंटिंग कर लेते थे। यू नो आज तक बॉलीवुड ने साउथ की मूवीज का रीमेक करके हमें बताया, हमें बताया कि साउथ की मूवीज क्यों अच्छी है। मेरी साउथ इंडस्ट्री दरखास्त है, एक ना एक बॉलीवुड मूवीज की रीमेक कर लो आप लोग, हमें मालूम पड़े बॉलीवुड आजकल क्यों बेकार है। बट देखो एक इतनी सारी फ्लॉप मूवीज देखकर एक बात तो प्रूव हो गई, बॉलीवुड राइटर्स और कैदियों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों के पास ही फ्रीडम नहीं है। मेरे हालात ये क्या हुए, ब्रह्मास्त्र एक पिज्जा की तरह है, ब्रह्मास्त्र एक पिज्जा की तरह है। ये डायलॉग सुन के केजीएफ वाले भी भाई अफसोस करते होंगे कि उन्होंने केजीएफ को एमडीएच से क्यों कंपेयर नहीं किया। एक तो इतनी बार शिवा बोला मूवी में, अगर 1 रुपया कोई मेरे को देता ना हर बार आलिया ने शिवा बोला उस पे, फाइनली मैं अवतार मूवी देख पाता, कितनी महंगी है भाई। बट आई जेन्युइनली होप 2023 से बॉलीवुड की फिल्म्स हिट हो, क्योंकि बॉलीवुड बॉलीवुड है भाई, एंड अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ वापस आए, अच्छी नहीं तो ठीक है अच्छे मीम्स के साथ आ जाओ कोई।
और क्या उर्फी जावेद, और कोई मुझसे पूछे कि पिछले साल में इस साल से अच्छा क्या था, पिछले साल कोई उर्फी को नहीं जानता था। अबे कौन है यार, क्या है यार? इस साल उर्फी तो जावेद इज लाइक एयरप्लेन, नॉट बिकॉज उसे भी आसमान छूना है, क्योंकि एयरप्लेन्स की तरह वो भी एयरपोर्ट पे रहती है। जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है क्या, एयरपोर्ट तीन घंटे पहले पहुंच जाते हैं। बट उर्फी जावेद ने 2022 में जितने प्रोजेक्ट नहीं किए ना, उससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज की है। लोग बोलते हैं उर्फी अपने आसपास की किसी भी चीज से ड्रेस बना सकती है, बस ड्रेस बना सकती है, वो ड्रेस से सेंस नहीं बन सकता। किसी को अपनी ट्रक की किस्मत अच्छी। 2022 में उर्फी जावेद के फैशन ने इतना तहलका मचाया ना कि खुद रणवीर सिंह ने उसकी तारीफ करते हुए बोला कि वो फैशन आइकन है। आई नो इट्स लाइक अर्जुन कपूर अनन्या पांडे की एक्टिंग की तारीफ कर। ठीक हो इनसे कुछ कुछ काम वाम है नहीं, बस बैठे बैठे कुर्सी गरम करते हैं ये। बट आपको पता है रणवीर सिंह इस साल अपने कपड़ों को लेके कितने सीरियस हुए, इतने सीरियस हुए कि एक बार सीरियस पहना ही नहीं। कुछ नहीं होता, अच्छा उतारना पैंट पहनना चल देना। बट उर्फी जावेद के फैशन आइकन अवतारने ना उन्हें इस देश का नंबर वन रियलिटी शो, उसके 25-30 पोजीशन बाद आने वाले शो स्प्लिट्स विला में एंट्री दी। अगले है तरुण गिल। तरुण गिल यूट्यूब पे बहुत साल से, लेकिन इस साल ज्यादा ई लोग है वो, जिस तरह दिवाली के टाइम पे प्रियंका चोपड़ा अस्थमा पेशेंट के बारे में बात करती है ना, उनमें से ये एक पेशेंट है। सांस ही लेते रहते हैं। हाँ अभी जवाब देता हूँ इसका, पहले एक सेकंड के लोग पूछते रहते हैं। हाँ तो सांस क्यों चढ़ता है आपको? अभी जवाब दे रहा हूँ। पता है लास्ट 365 डेज में वर्कआउट करते करते उनकी बॉडी में कोई चेंजेस आए या नहीं, लेकिन दिमाग में बड़े चेंजेस आए। ये हमेशा चेस्ट को, बाइसेप्स को, एब्स को फाड़ देने वाले वर्कआउट बताता है। ये सब करने से पहले जो डिग्री फाड़ी थी ना वो भी बता दो। मैं क्या खा रहा हूँ, आज का मेन्यू क्या है? अच्छा ये मैगी वाला वो है ना, हाँ एक बार नूडल्स। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा दूँ। तरुण गिल को सारी चीजें प्रमोट करता है जिससे एक युवा को दूर रहना चाहिए, जैसे कि तरुण गिल खुद को मत कर प्रमोट। ये 30 दिन में ऐप लाने की गारंटी देते हैं, बस 365 डेज में अच्छा कंटेंट लाने की गारंटी दे देना तो यूट्यूब पे क्रिंज का बोझ थोड़ा हल्का हो। और क्या इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और अब वो $8 मांग रहे हैं। इस साल हमने शॉर्ट चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार किए। थैंक यू गाइस। बट कमाल की बात है, पहले मैं ट्रेन में धक्का खाता था, कोई पूछने नहीं आते थे। अब मैं मुंबई की सड़कों में खाना खा रहा हूँ तो 2 मिलियन लोग देखने आ गए। बट शॉर्ट चैनल ना मेरे मॉडलिंग करियर की तरह है, मुझे इसमें मजा बहुत आता है लेकिन पैसा नहीं आता है। आपको पैसा चाहिए? जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं राजस्थान में रहूंगा। सो बता दे रहा हूँ भाई, कोई भी मेरे को फोन नहीं करेगा रात को। बट ये हमारे इस साल की आखिरी वीडियो होगी, 2022 की लास्ट वीडियो है। एंड थैंक यू सो मच गाइज आपके सपोर्ट के लिए। ये साल हमने बहुत अच्छा ग्रो किया सभी चैनल्स पे। यस एंड 2023 में नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली है चैनल पे। 2022 थोड़ा सा आई थिंक फ्लैट था क्योंकि मैं 2023 की तैयारी कर रहा था। एंड काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट अपना आ रहा है चैनल पे। ऑल्सो वीडियो की क्वालिटीज इंप्रूव होगी, एक दो वीडियोस रुक जाओ फिर नेक्स्ट लेवल क्वालिटी होने वाली है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो थक गया मैं पंचलाइन डाल डाल के, सो यार सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स इट फॉर 2022 आई थिंक। मिलते नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर। एक अलग ही फैन बेस रहता है जो लेट नाइट खबरें शो हो या फिर जो माइक ड्रॉप सेगमेंट होती है। और टू बी फ्रैंक इस साल थगेश ने फिर भी फ्लैट कहा, लेकिन मैं कहूंगा कि महेश की ग्रोथ इस साल बहुत अच्छी रही है। और भी और थगेश अनफिल्टर्ड चैनल पे भी हमने देखी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। और अगर बात करी जाए तो अदनान 07 अदनान के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई के साथ भी हुई थी और भाई देखो ट्रेंड में ना कुछ ही बचता। आप जो काम कर रहे हो ना करते रहो शिद्दत से करो और साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो लगातार काम करो बिना ब्रेक के। क्यों, क्या पता क्या चीज वायरल हो जाए आपकी, है ना? जैसे कच्चा बादाम वायरल हो गया 15 सेकंड में, उस गाने करियर बना दिया, भाई साहब वो चीज होती है। और थार भाई जोगिंदर देखो रोस्ट हो गए फिर आज वो भी फेमस, हम ही ना हो रहे फेमस, हम भी हो जाएंगे, हमारी जिंदगी हो रही हमारी, अरे हम भी कर लेंगे हो जाएगा। लेकिन भाई देखो 2022 जैसा भी था अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में रहेंगे, लेकिन अब 2023 आएगा, हैप्पी न्यू ईयर। और देखो और काश 2023 तक 2023 को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी कमर ठीक हो जाए, एक लाइक कर दे कमर ठीक हो जाए, जिसने जिसको नहीं पता है व्लॉग देखना क्या अभी मेरी हालत है, टाइट चल रही है इसकी। लेकिन मैं बात करूँ कि 2022 ना मुझे
टू बी फ्रेंक ठीक ठीक लगा मेरे हिसाब से. बाकी आपका आपको कैसा लगा और आपका साल कैसा गया जरूर बताना. और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ. और आई एम रियली ईगर कि भाई ने कहा ना कि क्वालिटी इंप्रूव होगी काफी चीज. तो ऑलरेडी वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है. तो और क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं तो देखते हैं. बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ. बाय बाय, टेक केयर.